राम भाई सभी को। तो कैसे हैं आप सब? मुझे सब अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि आपको पता, 2-3 दिन से भाई और आए हुए थे, नकुल भाई के दोस्त। तो वो सुबह उनकी फ्लाइट थी 6:30 बजे की, तो वो सुबह निकल चुके थे 3, 3:30, 4 बजे के आसपास। और अब टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं। ठीक है, सारे जा चुके हैं अपने कामों पर, और नकुल भाई और भाभी वो अपने आने वाली हैं अभी। ठीक है, उनको आना है अभी, वो आएंगे 3:30 बजे, 4:45 बजे तक आएंगे वो। ठीक है, तो बस मैं अभी अभी निकलने वाला हूँ थोड़ी देर तक। ठीक है, बाय बाय बस जाऊँगा। ठीक है, 17:01 में, बाकी तैयार मैं हो चुका हूँ, बस अभी खाना पीना खाता हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो जब निकलते हैं फिर मिलते हैं आपको बाद में, तब तक खाना पीना खा लेते हैं। तो भाई, खाना पीना खाने के बाद अब बस मैं चलता हूँ, थोड़ा सा फिर तो वगैरह डाल लेता हूँ, बाकी अपना सामान ले लेता हूँ जो कुछ भी है। ठीक है, तो अब फिर निकलते हैं यहाँ से अभी 2 मिनट में ही, तो मिलते हैं मैं आपको बाहर निकल के। तो फाइनली गाइस, मैं निकल चुका हूँ अपना घर से। ठीक है, अभी मैं जाऊँगा यहाँ से बस में, और बस में मे भी मुझे मिलेगी 2:30 बजे वाली। 2 बज हो चुके हैं, 6 मिनट रह चुके, 8 मिनट रह चुके हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बस स्टॉप की तरफ, तो मिलता हूँ आपको सीधा बस स्टॉप पे पहुँचने के बाद ही, बस में बैठने के बाद। ठीक है, बने रहना वीडियो में, बाकी देखते हैं आप तो सीधा घर ही आएंगे या कहीं घूम फिर के आएंगे, जो भी होगा देखते हैं। मतलब जो भाई यार, तो उनके साथ रह के ना बहुत अच्छा लगा, 2 दिन बिताए हैं। मतलब ये नहीं फील हुआ कि हम पहली बार मिले थे, ऐसा नहीं फील हुआ, ऐसा लगता है जैसे हम पहले से रह रहे हैं इकट्ठे, और ऐसे मौज मस्ती कर रहे थे। बाकी बाहर आके तो आदत ही हो चुकी है कि ठीक है, कहीं भी हम कोई भी नए बंदे साथ मिले तो ऐसा भी हो कि ये ना लगे कि पहली बार मिले हैं। मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और आ जाती है एडजस्टमेंट करने नए बंदे साथ, जब हम मिलते हैं तो सब कुछ हैंडल करना आ ही जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अब फालतू तो बातें छोड़ के सीधे चलते हैं अपना बस स्टॉप पे, और मिलते हैं आपको बाद में। मैं बैठ चुका हूँ अपना बस में, और निकल चुके हैं यहाँ से, तो दिखाता हूँ आपको सफर। तो फाइनली गाइस, मैं तो पहुंच चुका हूँ अपना ओरिएंट। बाकी भाई और भी पहुंचने वाले हैं, उनका टाइम जो है 3:45 का है यहाँ पे पहुंचने का। बाकी जो टाइम हुआ अभी 3:23 हुए हैं, तो अभी करते हैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपको बाद में, जब भाई और जाते हैं फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस, भाई और आ चुके हैं और पीछे खड़े भाभी जी, और अब हम जाएंगे बस में। जस्ट अभी आए हैं अभी, और आते हम लाइन में लग चुके हैं, और अब सीधा जाएंगे यहाँ से घर की तरफ। तो मिलते हैं आपको सीधा घर पहुंचने के बाद ही। तो कहीं से हम बैठ चुके हैं बस में, और उधर बैठे हैं भाई और भाभी और। तो अभी चलते हैं यहाँ से, और मिलते हैं आपको दोबारा घर पहुंचने के बाद ही। ठीक है, ya se te va a
तो फाइनली गाइस हम उतर चुके हैं बस में से, और बस में से उतरने के बाद अब हम जा रहे हैं अपना घर की तरफ। पीछे पीछे आ रहे हैं दोनों जने, तो अब मिलते हैं आपके साथ घर पहुंचने के बाद ही, नहीं तो कुछ खा भी लेंगे। तो बने रहना वीडियो में, मिलते हैं आपके साथ घर पहुँच कर ही। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर पे, और घर पे पहुंचने के बाद अब हम कर रहे हैं अपना खाने पीने की तैयारी, और आज हम बनाएंगे गोभी पूरी, गोभी साथ पूरी, गोभी सब्जी और पूरियाँ बनाएंगे, ठीक है। तो भी दिखाते हैं आपको, ठीक है, सब्जी सब्जी बनाते हैं, करते हैं तैयारी, मिलते हैं आपको फिर बाद में। बाकी भी दिखाता हूँ आपको सब कुछ बनते हुए, गोभी वगैरह पूरी वगैरह सब कुछ बनते हुए दिखाऊँगा। तो फाइनली गाइस सब्जी बन के चुकी है तैयार, देखिए उसके भी बनाते हैं पूरियाँ। तो गाइस अब लगे हैं पूरियाँ बनाने, पूरी बनाने बनाएंगे, पूरियाँ बनाएंगे, बन चुके हैं बनाते पूरियाँ। तो फाइनली गाइस गोभी पूरी खाने के बाद, खाना खुना खाने के बाद मैं चुका अपना बेड पे और लेट चुका अपना कंबल में, ठीक है, ठंड सी लग रही थी। तो अभी फिलहाल करते हैं रेस्ट, ठीक है, और सोच जाते हैं, और मिलते हैं आपको कल की शानदार वीडियो के साथ, शानदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।